अब हम देखते हैं नई एप्लीकेशन। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, चैनल की वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने के साथ हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करिएगा। यदि आपको कोई कंज्यूमर केस फाइल करवाना है या हमें इदाकिल पे हमसे केस फाइल कराना या लीगल एडवाइस चाहिए, लीगल ड्राफ्टिंग का कोर्स हमसे करना, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस भी फाइल करते हैं ऑनलाइन, उसके लिए भी एडवाइस देते हैं, आप हमें उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इसमें हम क्या समझाने वाले हैं। जैसे कि कोई भी वुमन है जो भी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, चाहे वो अनमैरिड वुमन हो, चाहे वो किसी की पत्नी हो, चाहे वो किसी की बेटी हो, कोई भी हो, जो अपने घर में किसी भी तरीके का वायलेंस अपने आप को पीड़िता महसूस करती है, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर अपना केस डाल सकती है। लेकिन ये जो केस है ये पति पत्नी का है, तो हम उसके अनुसार अपनी केस की समरी आपको समझा रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि आप यदि किसी पत्नी नहीं है, आप किसी की बेटी हैं, किसी की बहू हैं, कोई भी हैं, ठीक है, आप उस घर में रह रही हैं फैमिली मेंबर की तरह और आपको पीड़ित किया जा रहा है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अपना केस डाल सकती हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं कि इसको केस तैयार कैसे करते हैं। इन द कोर्ट ऑफ एलडी, सीजीएम के कोर्ट में डाला जाता है। जैसे कि मामला पानीपत का था, तो पानीपत आपकी जो भी सिटी का नेम आपको वो डालिएगा। अब जैसे कि इसमें एप्लीकेंट को अपना नाम लिखना होता है, फिर एज, फिर वो भाई किसकी वाइफ थी। अब जैसे वाइफ ना हो, वो डॉटर ऑफ हो, वे अनमेरिड वुमन है, तो ये डॉटर ऑफ लिखेगी, ठीक है। फिर अपना रेजिडेंट लिखेगी, धारा नंबर लिखेगी, मोबाइल नंबर लिखेगी। अब वर्सेस भी किसके अगेंस्ट में डाल रहे हैं, फिर उसकी भी इस तरीके से डिटेल आएगी, भाई फादर ऑफ, क्योंकि वो आदमी है तो फादर ऑफ, यदि वुमन है तो वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ, ठीक है। मेनली वैसे तो वो वाइफ ऑफ ही लिखा जाता है, ठीक है, यदि लड़की हो तो, ओके। ऐसे अब जैसे कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, इसमें कौन से में से लिए गए, 43 ऑफ 2005 में से। में क्या गया भाई, टू पास प्रोटेक्शन ऑर्डर भी इसको पास किया जाए, प्रोटेक्शन ऑर्डर को अंडर सेक्शन 8 प्रोहिबिटिंग द रिस्पोंडेंट फ्रॉम कमिटिंग एनी एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस ऑन द एप्लीकेंट। जो एप्लीकेंट पर डोमेस्टिक वायलेंस जो हो रहा है, जो कमिट हो रहा है, उसके जो अगेंस्ट में रिस्पोंडेंट को भी प्रोहिबिटेड किया जाए अंडर सेक्शन 18 के तहत, कि भी उसको क्या दिलवाया जाए, एप्लीकेंट को प्रोटेक्शन दिलवाया जाए अंडर सेक्शन 18 के तहत, ताकि इसको वही प्रोहिबिट हो पाए वो रिस्पोंडेंट से, इसके पास साथ कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस ना हो। दूसरा नंबर इसमें केस में क्या है कि भाई वो जहाँ पे रह रही है, ऑर्डर दिया जाए कि रिस्पोंडेंट को टू प्रोवाइड द सुटेबल अकोमोडेशन दिया जाए उसे, भाई उसको मतलब सुटेबल अकोमोडेशन दे, ठीक है। और एक भी और ऑर्डर पास किया जाए अंडर सेक्शन 20 ऑफ द एक्ट डायरेक्टिंग द रिस्पोंडेंट टू पे मेंटेनेंस, भाई मेंटेनेंस दे उसको 75,000, भी जितना भी आप मांग रहे उतना आप लिखिएगा पर मंथ दे, ठीक है, एप्लीकेंट को। टू डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू ग्रांट कंपेंसेशन या डैमेजेस दे, ठीक है, अंडर सेक्शन 22, भाई जो भी उसका अभी तक नुकसान कर दिया, कंपेंसेशन जो उसको देना चाहिए रिस्पोंडेंट द्वारा, तो वो किस सेक्शन के तहत दे, 22 इस एक्ट के द्वारा, 22 एक्ट है भाई डोमेस्टिक वायलेंस का, उसके तहत दे। डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट टू, भाई इसको रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट करे टू हैंड ओवर ऑल द माइनर चाइल्ड सागर, भाई जो उसका लड़का था माइनर चाइल्ड सागर है, उसको पेटिशनर को दे दिया जाए, जो भी आपके बच्चे का नाम हो आपको वो लिखना है, एक्स वाई जेड जो भी है आपके बच्चे का नाम, ठीक है, ओके। अब टू पास इंटरिम सच ऑर्डर, भी ये कोर्ट द्वारा इंटरिम ऑर्डर दिए जाए जस्ट एंड प्रॉपर, इसमें ये लिखा गया है। और जैसे इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं, आपको अपने केस को अपने अकॉर्डिंग तैयार करना है, मैं आपको ये केस थोड़ा इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ जाए भी, थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज आपको समझनी स्टार्ट हो जाए, इसके लिए मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। अब द एप्लीकेंट सबमिट एज अंडर द मैरिज ऑफ द एप्लीकेंट वॉज फॉर्मलाइज विद द रिस्पोंडेंट अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट एंड सेरेमनी, जो भी हिंदू राइट से एंड सेरेमनी थे वो कब हुए थे, इस तारीख को हुए थे। जो पेरेंट्स थे एप्लीकेंट के हैज स्पेंट, उसने 5,00,000 रुपये दिए इस मैरिज में एंड हैज गिवन सफिशियंट डोरी आर्टिकल भी दिए जितना उसकी कैपेसिटी में होता था, तो उसने रिस्पोंड और उसकी फैमिली को दिए। जो मैरिज थी, जो मैरिज द एप्लीकेंट हैज वाज ब्रॉट इन लॉ हाउस भी, ठीक है, वेयर द बोथ एप्लीकेंट एंड रिस्पोंडेंट भी एक साथ रहते पति पत्नी के रूप में, और वो मैरिज में ड्यूली कंजुमेटेड थे एंड फ्रॉम द सेट वेड लॉक टू मेल चाइल्ड, बेसिक टू मे भाई जो लड़की है ये जो डाल रही है उसके दो बच्चे पैदा हुए, सुजल एंड सागर, ठीक है। इन द आपको ये जो भी बच्चों का नाम लिखना है, जो भी आपके बच्चों का नाम हो या नहीं हो बच्चे, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है, ओके। इन द ईयर ऑफ 2015 द रिस्पोंडेंट डेवलप इलिक्ट रिलेशन विद वन जनक सिंह एंड सिंह द रिस्पोंडेंट स्टार्टेड टू हार्म एंड हरस द एप्लीकेंट एंड सर एंड सन्स एंड कॉल विद द एप्लीकेंट, भाई इसका ये किसमें कहा गया कि जो रिस्पोंडेंट है डेवलप किया इलिसिट रिलेशनशिप किया, जनक नाम की लड़की होगी, ठीक है, उसके साथ अपना रिलेशनशिप स्टार्ट किया और उसको क्या करने लग गया, एप्लीकेंट को उसके बच्चों को सताने लग गया, ठीक है, विद एप्लीकेंट ऑन पैटी मैटर, मैं छोटे छोटे मैटर पर उसको तंग करने लग गया।
अदर्स को ना टोटली इग्नोर, उसने भाई शुरू में इसको इग्नोर करना स्टार्ट किया एप्लीकेंट को, उसके बच्चों को भी रिफ्यूज किया मेंटेनेंस देने के लिए एप्लीकेंट को. द रिस्पोंडेंट यूज टू स्पेंड, भाई जो रिस्पोंडेंट था अपना जो भी पैसा था अपनी कमाई का वो क्या करता, जन्नत के प्रसाद खर्च कर देता है. वेन एवर द एप्लीकेंट ट्राई टू परसुएड द रिस्पोंडेंट टू स्टॉप सच इमोरल एक्टिविटी, बस पहले एप्लीकेंट ने सोचा कि भी इसको रोका जाए ठीक है भाई ये, बट इंस्टीड ऑफ इसकी जेन्युइन रिक्वेस्ट को उसने स्वीकार नहीं किया रिस्पोंडेंट ने, यूज टू मर्सीलेस बीटिंग, बस इसको एप्लीकेंट को मतलब पत्नी को अपनी पत्नी को मर्सीलेस मतलब बेरहमी से पीटने लग गया और थ्रेट करने लगा कि यदि या तो वो कुछ करेगी इस मैटर में इंटरफेयर करेगी या तो डिस्क्लोज करेगी इस मैटर को अपने पेरेंट्स के सामने, भाई तू क्या करेगी अपने आपको क्या पाएगी, सी विल हैव टू फेस विद डायर कॉन्सिक्वेंसेज, भी बहुत ही तरह बुरे परिणाम होंगे. सो ड्यू टू दिस रीजन एप्लीकेंट भी क्या करी, उसने इस मैटर को क्लोज नहीं किया अपने पाता माता पिता को और एनी किसी को भी डिस्क्लोज नहीं किया, चुपचाप ही सहती रही बाई टोलेटेड आल एंड द क्रूएल्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट, बेस क्रूएल्टी को वो सहती रही ठीक है. तो इस तरीके से ये केस की कहानी है, आपको अपनी केस की अकॉर्डिंग अपनी केस की कहानी लिखनी है, मैं इस केस की बता रही हूँ आपको ताकि थोड़ा सा आपको लीगल लैंग्वेज समझ जाए कैसे बनाते हैं केस को ठीक है. फोर्थ में क्या लिखा हुआ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2018 द रिस्पोंडेंट टर्न आउट द एप्लीकेंट बाय गिविंग सर्वर वेटिंग फ्रॉम द मैट्रिमोनियल होम अलोंग विद माइनर चिल्ड्रन एंड द एप्लीकेंट वाज कंपेल्ड, जो कि एप्लीकेंट थे वाज कंपेल्ड टू स्टे इन अ पेरेंटल हाउस, भी जब उसने बहुत उसको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया बहुत ज़्यादा उसके मतलब उसको मेंटेन स्टार्ट कर दिया तो उसने क्या किया, एप्लीकेंट ने अपने माँ बाप पिता के पास रहने को मजबूर हो गई. जो उसके पेरेंट के पेरेंट थे एप्लीकेंट के वो कन्वेनेंट बिरादरी पंचायत उन्होंने क्या की, कन्वेनेंट की इन विच रिलेटिव, जिसमें उसके रिलेटिव बैठे थे जो रिस्पेक्टेड पर्सन थे जो भी उस गांव के थे वर्स पार्टिसिपेटेड एंड जो रिस्पोंडेंट थे उसने सॉरी मैसेज किया पंचायत के सामने और एश्योर किया कि उसके माता पिता को कि ही विल मेंड हर बिहेवियर, वो अपना मेंड करेगा अपने बिहेवियर को सुधारेगा एप्लीकेंट के साथ अपने उसके बच्चों के साथ. एंड ही ब्रॉट बैक द एप्लीकेंट, वो बच्चों को ले आया और अपनी पत्नी को ले आया अपने हाउस. देयर आफ्टर फॉर फ्यू डेज द एप्लीकेंट ऑफ द रिस्पोंडेंट वॉज पीसफुल, भी रिस्पोंडेंट पीसफुल था बट सून आफ्टर द रिस्पोंडेंट अगेन स्टार्टेड टू हैरेस द एप्लीकेंट एंड हर चिल्ड्रन विदाउट एनी सफिशियंट काउज और रीजन, वो क्या करने लग गया भाई झगड़े करने लग गया एप्लीकेंट के साथ, छोटी मोटी मैटर पर उसको बीटने लग गया एप्लीकेंट को एंड द लाइफ ऑफ द जो एप्लीकेंट की लाइफ थी वो बिकेम हेल नरक बन गई. अब सिक्स मैटर में क्या है, द एप्लीकेंट ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू परसुएड द रिस्पोंडेंट, बस उसको अपने पति को अच्छे मतलब कुछ अपने बेस्ट लेवल पर उसको सुधारने की कोशिश की रिस्पोंडेंट को कि वो ये जो इलिसिट रिलेशनशिप है जन्नत सिंह के साथ को बंद करे, टू कम ऑन द मेन स्ट्रीम ऑफ द लाइफ अपनी लाइफ में दोबारा से आए, लुक आफ्टर अपने बच्चों को संभाले अपनी पत्नी को संभाले, बट ऑल इन वेज वो सब कुछ बेकार गया और ऑन डेटेड इस डेट को जो भी अपडेट जो भी डेट होगी जो रिस्पोंडेंट था उसने गेव सर्वर बीटिंग टू द एप्लीकेंट एंड किक हर आउट फ्रॉम द मैट्रिमोनियल होम अलोंग विद हर माइनर चाइल्ड एंड वो जो भी थे और बच्चों के को मतलब निकाल दिया उस औरत को. एप्लीकेंट फिर दोबारा से अपनी खन्ना रोड पे आई वहाँ रहने लगी अपने बच्चों के साथ, जो फिर बिरादरी की पंचायत दोबारा से कन्वेंट की गई एप्लीकेंट के ब्रदर द्वारा, इन विच रिलेटिव एंड इंस्पेक्टर पर्सन जो दोबारा से आया उन्होंने ट्राई किया कि रिस्पोंडेंट को दोबारा सुधारे एंड रिक्वेस्ट हिम भी इसको रिक्वेस्ट किया कि भाई इस अपने बच्चों अपने पत्नी को ले जाए, लेकिन जो रिस्पोंडेंट था उन्होंने रिफ्यूज कर दिया पिटिशनर भाई पिटिशनर मतलब अपनी वाइफ को मना कर दिया रखने से और इन्हीं सोसाइटी और बस मतलब मना कर दिया कि मेंटेनेंस भी वो देगा नहीं. तो जब रिस्पोंडेंट ने मना ही कर दिया उसको रखने से और उसको मना कर दिया कि इसका रिश्तेदार भी वो नहीं देगा और विच जो किसी कस्टडी में है रिस्पोंडेंट की, इसमें ये कहा गया है तो अपनी तरफ से थोड़ा सा हमें बनाना पड़ता है ताकि किस्मत को दो ठीक है, यदि आपके हाथ में सच्ची में हो तो लिखना ही पड़ता है. तो जो रिस्पोंडेंट है इसमें भाई एबल बॉडी पर्सन है वो भी मोटर गार्बेज में जैसे काम कर रहा है मतलब जो भी वो काम कर रहा है वो लिखना है आपको कितना कमाता है वो लिखना है, जिसमें ये 1 लाख कमाता है वो लिखना है. बिसाइड दीज रिस्पोंडेंट हैव टेंटेड अकोमोडेशन एंड रेंटल इनकम जो है उसकी उसके पास अकोमोडेशन भी है रेंटल इनकम वो 50,000 कमाता है और उसके पास कोई भी लाइबिलिटी नहीं है अदर कोई भी और वो इजिली मेंटेनेंस दे सकता है एप्लीकेंट को. अनदर हैंड एप्लीकेंट इज अनएम्प्लॉयड लेडी, इसमें जो एप्लीकेंट है उसकी जो वाइफ है अनएम्प्लॉयड लेडी है, उसके पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है, कोई उसके पास इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है उसके नाम पे, जो एप्लीकेंट है वो अनेबल है अपने आप को मेंटेन करने में ठीक है. अब जो रिस्पोंडेंट है यूज टू काउज भी मतलब हैबिचुअल है भाई इसको डोमेस्टिक वायलेंस करने का मेंटल इमोशनल फिजिकल हार्म करने का ड्यूरिंग हर स्टे विद द रिस्पोंडेंट इन मैट्रिमोनियल होम, भी जब तक वो रिस्पोंडेंट के साथ अपने घर पर वहाँ पर रही वो उसको मेंटली इमोशनली फिजिकली हर तरीके से उसको हैरेस करता था, जो इसलिए जो रिस्पोंडेंट इज लाइबल है फॉर डोमेस्टिक वायलेंस केस में फंसने के लिए ठीक है, तभी इसके ऊपर केस फाइल किया एप्लीकेंट ने, तो इसमें लिखा गया.
The marriage of the applicant by Vaj formalized by formalized की गई थी with the respondent by पानीपत में की थी गई थी मेरी जब भी सिटी नेम आप वो लिखेगा तो भी यहाँ पे भी ये कहते हैं कि हैज द जो भी जो कोर्ट है उसके पास जो जुरिडिक्शन है कि यहाँ पे उस पिटीशन को सुन सके ठीक है क्योंकि ये घटना यहाँ पे हुई है शायद यहाँ पे हुई है इसमें ये कहा गया कि जो भी परेड है भाई जो प्रे किए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए बस मेंशन सर्कमस्टांस को देखते हुए उसको ऑल द रिलीफ एज मेंशन भाई जो भी ऊपर मेंशन की गई है इन द हेड नोट ऑफ द पिटीशन एप्लीकेंट मे बी काइंडली भी ग्रांट की जाए उसको जो भी उसकी प्रे है एंड अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ठीक है फिर इस तरीके से ये आपकी लिखनी होती है फिर इन द जो शुरू में आपने ऊपर लाइनें यहाँ पे लिखी थी ठीक है इसको हम क्या करते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ तक का फिर हम क्या करते हैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ये लगभग लाइनें यहाँ तक की सेम रहती हैं अब आता है कि एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 23(1) and 2 ऑफ PWDV एक्ट फॉर ग्रांटिंग इंटीम मेंटेनेंस भी साथ में औरत मांग ही लेती है इसमें बताती है कि भाई इस जो अंडर सेक्शन 12 है PWDV एक्ट के अनुसार ठीक है भाई विच इन विच नो डेट हैज बीन फिक्स्ड भाई अभी टाइटल जो भी एप्लीकेशन है ये जो भी इसके द्वारा फाइल की जा रही है अभी कभी फिक्स नहीं की गई तो जो भी कंटेंट है एप्लीकेशन का वो सारा कुछ ड्यू है सही है और एप्लीकेशन जो भी है पार्सल एंड पार्ट जो भी है उसने रीड कर ली है भाई एप्लीकेंट ने और जो रिस्पोंडेंट है वो इसमें कमाता है पैसा पे कर सकता है जो औरत है अपनी मजबूरी बताती है कि भाई मैं कमा सकती है वो है जो भी है ठीक है इस तरीके से एप्लीकेशन तैयार होती है और उसमें बताते हैं कि जो रिस्पोंडेंट है अभी तक उसने कुछ भी पैसा पे नहीं किया ठीक है तो उसको भी इंट्री मेंटेनेंस दी जाए ठीक है पिटिशनर को बींग हिज लीगली वेडलाइफ क्योंकि वो उसकी लीगली वाइफ है इस बात को ध्यान में रखते हुए पेइंग पे डेथ जो भी अर्जेंट नेचर में जो वायलेंस जो कमिटेड हुआ रिस्पोंडेंट द्वारा एप्लीकेंट के खिलाफ ठीक है अपॉन द एप्लीकेंट भाई वो उसको डोमेस्टिक नेचर को ध्यान में रखते हुए उसको प्रे को ध्यान में सुना जाए कोर्ट द्वारा द रिस्पोंडेंट में काइंडली भी डायरेक्टर उसको डायरेक्ट किया जाए कि वो उसको उतना रुपया दे और लिटिगेशन जो एक्सपेंस हुआ है जो भी एप्लीकेंट का अग्री पर्सन का बटिल द डिस्पोजल डिस्पोजल होने से मतलब होने तक उसको भी पर मंथ कितना रुपया दे इतना रुपया दे ठीक है ये इंटरिम मेंटेनेंस की रहती है फिर अब वेरिफिकेशन में ये जो लाइनें सेम भी रहती है कि जो भी है मैंने सब कुछ पढ़ लिया है बेस्ट मेरे नॉलेज में है एप्लीकेंट अपना नाम वगैरह लिखती है एज वगैरह लिखती है सिग्नेचर करती है फिर एप्लीकेंट का वो जो भी ऊपर जो हेडिंग थी वो यही रहती है एफिडेविट में क्या होता है जिसमें मीनू देवी है तो मीनू देवी जो भी है ठीक है ये जो भी केस है जिस केस का नाम है जिस भी और उसके नाम पे केस है तो क्या करेगी अपना नाम लिखेगी अपना एज लिखेगी और वो अफर्म एंड डिक्लेयर भी करती है कि भाई जो भी है ये मैंने ही एप्लीकेशन डाली इंटरिम एप्लीकेशन की सेक्शन 23(1) and 2 के अंदर और 12 के अंदर और जो भी ये सब कुछ मैंने पढ़ लिया सब कुछ सही है सब कुछ सही है उसमें सिग्नेचर वगैरह करके केस फाइल हो जाता है ठीक है ये जो केस फाइल होगा आपका आपको पता ही होगा जो कोर्ट के अंदर एक विंडो होती है ठीक है ऑफलाइन फाइल करना चाहते हो आप ऑफलाइन कर सकते हैं ऑनलाइन फाइल करेंगे तो वो बेस्ट रहता है ताकि आपका जिस दिन आपने फाइल किया उस दिन आपकी वो केस आपका एक दो दिन में मतलब ऑनलाइन चला जाता है और एक्सेप्ट भी हो जाता है फिर क्या होता है आपको डेट मिल जाती है अगले डेट के लिए और कुछ गलती वगैरह होती हैं तो वो आपको ऑनलाइन ही बता देते हैं उसको आप ऑनलाइन देख के उसको सही कर सकते हैं और आपका टाइम और प्रिंट आउट का खर्चा बच जाता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा हमें बताइए कि हमारी वीडियो आपको कितनी समझ आई कितने आपके लिए यूजफुल रही चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा हमें सोशल मीडिया फॉलो करिएगा हमसे कोई आपको सर्विस चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं।